मशहूर होने शुरू हो गए, अमिताभ बच्चन जी 60 और 50 60 के बीच में पर फेल हो गए थे। आपका भी वो दिन एक आया कि जब नंबर वन बने एकदम ऑलमोस्ट 80s से। 80s में मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के नंबर वन सुपरस्टार थे। मिथुन के नंबर वन होने को लेकर बॉलीवुड दो भागों में बटा था। एक वो लोग थे जो मिथुन चक्रवर्ती को नंबर वन मानते थे और एक वो लोग थे जो मिथुन चक्रवर्ती को नंबर वन नहीं मानते थे। ना मानने वालों में अमिताभ गैंग्स के डायरेक्टर, चोपड़ा गैंग्स के डायरेक्टर और कपूर गैंग्स के डायरेक्टर शामिल थे जो मिथुन चक्रवर्ती को नंबर वन नहीं मानते थे और ना ही ये लोग मिथुन को लेकर कभी भी फिल्म बनाने की सोचते थे। ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शंस थे, मनमोहन देसाई, यश चोपड़ा, सुभाष घाई, प्रकाश मेहरा, इन लोगों ने मिथुन चक्रवर्ती को पूरी तरह से बॉयकॉट कर रखा था क्योंकि ये लोग मिथुन चक्रवर्ती को लेकर कभी भी कोई फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। कारण था, मिथुन चक्रवर्ती एक सेल्फ मेड एक्टर थे। वो अपनी मेहनत के बलबूते एक सुपरस्टार बने थे और एक बड़ी फैन फॉलोइंग खड़ी कर ली थी जो अमिताभ और कपूर के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी। मिथुन चक्रवर्ती धीरे धीरे कॉमर्शियली उस दौर के सभी स्टार्स से आगे निकल चुके थे। उनकी साल में 10 फिल्में रिलीज होती थी और उसमें से आधी फिल्में सुपरहिट हुआ करती थी और 200 फिल्मों की कमाई साल में सभी स्टार्स की कमाई से कई गुना ज़्यादा हुआ करती थी। मिथुन चक्रवर्ती की इस कामयाबी को बड़े प्रोडक्शंस और डायरेक्टर्स हजम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन लोगों ने मिथुन को लेकर पूरे 80s में कभी भी कोई भी फिल्म नहीं बनाई। पर मिथुन चक्रवर्ती को हिट होने से ये लोग रोक नहीं पाए और मिथुन चक्रवर्ती पूरे 80s में सबसे ज़्यादा सफल सुपरस्टार रहे। मिथुन चक्रवर्ती का सक्सेस रेशियो अमिताभ बच्चन से कई गुना ज़्यादा आगे था। पूरे 80s में मिथुन चक्रवर्ती ने 110 फिल्में की जिसमें से 65 फिल्में सुपरहिट रही और कुल फिल्मों की कमाई का आंकड़ा निकाला जाए तो अमिताभ की फिल्मों के आंकड़े से कई गुना ज़्यादा है। पूरे 80s में अमिताभ बच्चन के करियर को देखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 फिल्में रिलीज हुई होंगी जिसमें से उनकी हिट फिल्मों की बात की जाए तो 12 से 13 फिल्में उनकी हिट रही हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कामयाबी को जब ये डायरेक्टर्स और कपूर गैंग्स और अमिताभ गैंग्स रोकने में नाकामयाब रहे तब इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला। वो ये कि इन लोगों ने एक ऐसी टीम बनाई जिसके तहत इन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की किसी भी फिल्म को अवार्ड्स कैटेगरी में कभी शामिल नहीं होने दिया और यही कारण रहा कि मिथुन चक्रवर्ती की बेहतरीन से बेहतरीन फिल्मों को भी अवार्ड से नवाजा नहीं गया। क्योंकि उस जमाने में अवार्ड्स के ज्यूरी मेंबर यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और सुभाष घाई जैसे लोग हुआ करते थे जो मिथुन चक्रवर्ती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस एक्टर को उसकी पहली ही फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया हो उसको पूरे 80s में एक भी फिल्म फेयर नहीं दिया जाता है। ये लोग अवार्ड सीधे सीधे या तो अमिताभ बच्चन को देते थे या फिर कपूर को। ये लोग अमिताभ को अवार्ड्स इसलिए देते थे ताकि अवार्ड्स के दम पर उनका दबदबा कायम रहे। तो चलिए मिथुन चक्रवर्ती की उन फिल्मों पर नज़र डालते हैं जिनके लिए उन्हें बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड और उनकी फिल्मों को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। तो चलिए शुरू करते हैं। 1976 में मृगाया के बाद मिथुन चक्रवर्ती की जो सबसे बेहतरीन अभिनय वाली फिल्म आई थी वो फिल्म थी सितारा। इस फिल्म में उनके साथ थी जरीना वाहेब। अभिनय की दृष्टि से देखा जाए तो ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में मिथुन ने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया था पर इस फिल्म के लिए मिथुन को कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया। इस फिल्म के बाद मिथुन की जो अगली सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी हम पांच। ये फिल्म आज भी मिथुन चक्रवर्ती की वजह से ही जानी जाती है जबकि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह और संजीव कुमार भी थे पर लोग मिथुन की वजह से इस फिल्म को आज भी पसंद करते हैं। और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिया था पर इस फिल्म को भी कोई अवार्ड नहीं दिया गया, ना ही इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया। मिथुन की जो अगली फिल्म है वो है डिस्को डांसर। ये वो फिल्म है जिसने मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बना दिया था और ये फिल्म अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले से भी बड़ी हिट साबित हुई थी। आप अंदाजा बॉलीवुड के करप्शन का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि फिल्म शोले के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया जा सकता था तो मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म डिस्को डांसर के लिए क्यों नहीं दिया गया, जबकि डिस्को डांसर पूरी दुनिया में कॉमर्शियली सुपरहिट साबित हुई थी और इस फिल्म में एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड कायम किए थे। मिथुन की जो अगली फिल्म थी वो थी प्यार झुकता नहीं।
प्यार झुकता नहीं मिथुन चक्रवर्ती की 80s की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को एक कंप्लीट स्टार के तौर पर बॉलीवुड में स्थापित कर दिया था। ये फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी और ये वही साल था जब मिथुन चक्रवर्ती पहली बार बॉलीवुड के स्टार ऑफ द ईयर बने थे और साल में उन्होंने सबसे ज़्यादा हिट फिल्में दी थी और पूरे साल में उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए थे और भारत सरकार को भी सबसे ज़्यादा टैक्स पे किया था। इस फिल्म को देश की कई अदालतों ने उन लोगों को रेकमेंड किया था जो लोग तलाक के लिए अदालत में अपनी अर्जी दिया करते थे। अदालत उनसे ये कहती थी कि जाकर पहले प्यार झुकता नहीं देखो, इसके बाद आप तलाक के बारे में सोचो। इतनी बड़ी हिट हो जाने के बाद किसी तरह से इस फिल्म को अवार्ड लिस्ट में शामिल किया गया और इसके अपोजिट थी राम तेरी गंगा मैली, पर फिल्मी माफियाओं ने अंत में अवार्ड राम तेरी गंगा मैली को दिया। यहां तक कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक के लिए नॉमिनेट किया गया था पर वो अवार्ड भी उन्हें नहीं दिया गया। इसके अगले साल ही मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आई प्यारी बहना, जिसे डायरेक्ट किया था बापू ने। ये भाई बहन के प्यार पर आधारित एक बहुत ही संवेदनशील फिल्म थी और इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती ने अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिया था, पर इस फिल्म के लिए भी मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड से नवाजा नहीं गया। इसके बाद जो मिथुन चक्रवर्ती की सर्वश्रेष्ठ अभिनय वाली फिल्म थी वो थी प्रेम प्रतिज्ञा। इसे भी बापू ने ही डायरेक्ट किया था। ये मिथुन की बिगेस्ट हिट फिल्मों में से एक है और अभिनय की दृष्टि से देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में एकदम धांसू परफॉर्मेंस दिया था, पर इस फिल्म के लिए भी मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड नहीं दिया गया। इस फिल्म के बजाय जिस फिल्म के एक्टर को अवार्ड दिया गया उसके बारे में सुनकर आप हंसेंगे। इस फिल्म के अपोजिट थी तेजाब, जिसमें अनिल कपूर हीरो थे। आप सोच सकते हैं कि फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में मिथुन के अभिनय को और तेजाब में अनिल कपूर के अभिनय को कंपेयर किया जाए तो किसने सबसे अच्छा काम किया था, और इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया गया था जबकि मिथुन को इस फिल्म के लिए अवार्ड नहीं दिया गया। इसी साल अनिल कपूर को नंबर वन बनाने के लिए बॉलीवुड माफियाओं की ये पहली चाल थी। मिथुन चक्रवर्ती की अगली जो सर्वश्रेष्ठ अभिनय वाली फिल्म थी वो थी फिल्म दाता, जिसे डायरेक्ट किया था सुल्तान अहमद ने। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक डाकू के भूमिका में नजर आए थे और ये फिल्म भी एक भाई बहन के प्यार पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया था, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और कपूर में से किसी की भी औकात नहीं थी कि इस रोल को इस तरह से निभा सकें, और इस फिल्म के लिए भी मिथुन को अवार्ड नहीं दिया गया था। और मिथुन की जो अगली सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनय वाली फिल्म थी ये 80s के थोड़ा बाद रिलीज हुई थी। ये फिल्म आई थी 1993 में और ये फिल्म थी युगांधर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यन चंद्रा ने। यन चंद्रा वही हैं जिन्होंने 88 में तेजाब बनाई थी और इस फिल्म के लिए भी मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड नहीं दिया गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिल्म तेजाब के लिए अनिल कपूर को अवार्ड दिया जा सकता था और फिल्म युगांधर के लिए मिथुन को अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर एक ही थे, बस अंतर था सिर्फ एक्टर का। फिल्म युगांधर में मिथुन चक्रवर्ती ने एक रॉबिन हुड टाइप के डाकू का किरदार निभाया था जो लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिया था, पर इस फिल्म को किसी भी अवार्ड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो ये थी मिथुन चक्रवर्ती की वो फिल्में जिनको अवार्ड मिलना चाहिए था पर अवार्ड नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी मिथुन चक्रवर्ती 80s के नंबर वन सुपरस्टार थे और आज भी वो 80s के नंबर वन सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।